بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الغرر الميامين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون صلوات علی محمد سب سے پہلے اس پرمسرت موقع پر تمام شیعیان حیدر کرار کو ان کے مولا کی ولادت کے موقع پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ حضرات مختلف ذاکرین کو مختلف شعرا کو سنتے چلے آ رہے ہیں ان علماء اور ذاکرین کی موجودگی میں کس طریقے سے گفتگو کی جائے اس لیے کہ جب کوئی ذاکر کوئی عالم جب فضائل اہل بیت بیان کرتا ہے تو ناطقہ ان کے کام و دہن کے بوسے لینے لگتا ہے محراب قدس کے نمازی اپنی عبادتیں چھوڑ کر ذکر مولا کو سننے لگنے لگتے ہیں اور وہ وقت آ جاتا ہے کہ جہاں پر مولا کائنات کے فضائل بیان ہوتے ہیں اور مولا کے چاہنے والے کل ہندوستان سے جمع ہوتے ہیں درگاہ عالیہ پر تاکہ ان کو مبارکباد پیش کریں لیکن آج دنیا کن راستوں پر جا رہی ہے ذرا یہ بھی دیکھیے اگر دنیا کو انسانیت ملے گی تو وہ مولا کائنات کے دروازے پر آ کر ملے گی اگر دنیا کسی اور دروازے پر جا کر سکھ اور چین اور آرام چاہتی ہے تو وہاں نہیں ملے گی اگر انسانیت یہ چاہتی ہے کہ اس کو اطمینان ملے سکون ملے تو اس دروازے پر آئیے آج کی دنیا دہشت اور وحشت کے سیلاب میں بہہ رہی ہے خود غرضوں کے اس طریقے سے بہہ رہی ہے کہ خود غرضوں نے خود غرضی کے حصار کھینچ رکھے ہیں انسانیت کا مجد و شرف ماضی کا افسانہ اور اخلاقی اقدار غریبوں کا بہانہ بنتے چلے جا رہے ہیں انسانیت شہروں سے نکل کر غاروں میں اور درندگی بھٹوں سے نکل کر شہروں میں بستے چلی جا رہی ہیں کیا سبب ہے اور کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان کہ جس کے سر پہ اللہ نے خیر الامم کا تاج سجایا تھا یہ اتنی پستیوں میں کیوں چلا گیا کہ اپنے رسول کے صحابی کی قبر کو نبش کرتا ہوا نظر آئے
यह गौर करने का मकाम है, यह इंसान इतनी पस्तियों में क्यों जा रहा है? आज मुसलमान इतनी पस्तियों में क्यों जा रहा है? यह इंसान कि जिसको अल्लाह ने, जिसके सर पे अल्लाह ने अपनी खिलाफत का ताज रखा था, यह इतनी पस्तियों में क्यों जा रहा है? कभी आपने खलवत की तन्हाइयों में और जलवत की हंगामा आराइयों में गौर किया है कि यह क्यों हो रहा है? ये मुसलमानों के साथ क्यों हो रहा है? आज जिधर जिधर नजर उठती है उधर उधर एक बेचैनी है, बेइस्तराबी है। जिधर देखो खून नजर आता है, कहीं पर इंसानियत का कत्ल हो रहा है, कहीं बच्चों को कत्ल किया जाता है, कहीं औरतों के ऊपर जुल्म ढाया जाता है, ये क्यों हो रहा है? सवाल ये है कि ये हुआ क्यों? क्या इसलिए, ये जरा सी तमहीद है, क्या इसलिए कि आज का इंसान इतना गरीब हो गया या आज का इंसान इतना पस्त हो गया? ऐसा तो नहीं है। आज का इंसान तो पिछले इंसानों से बहुत ऊंचा जा रहा है। पिछले इंसान गारों में रहा करते थे, हम फलक शिगाफ्ता इमारतों में रहते हैं। पिछले इंसान झोपड़ियों में बसेरा किया करते थे, हम फर्नीचर से आरास्ता मकानों में रहते हैं। पिछले इंसान बैलगाड़ियों पर सफर किया करते थे, हम हवाई जहाज पर सफर किया करते हैं। पिछले इंसान मट्टी के तेल के दिए जलाया करते थे, हम बर्की कुमकुमों के सैलाब नूर में बह रहे हैं। आज का इंसान तो पिछले इंसानों से बहुत ऊंचा जा रहा है। आज का इंसान पिछले इंसानों से उतना ही मुख्तलिफ है जितना पत्थर से मोती, जितना कोयले से हीरा, और उतना ही तेज है जितना बैल, उतना ही तेज है कि जितना घोड़े की रफ्तार से राकेट की परे परवाज, और उतना ही ऊंचा है जितना बैलगाड़ी से हवाई जहाज। आज का इंसान शेर सवार बरको अफलाक है, मंजिल कानून महाल है, नातिक शरह फिदा है, वाकिफ असरार हस्ती है, अमीर कायनात है, अमीर कायनात है, अमीर कायनात है। आज का इंसान वो है कि अनासिर आलम इसको दूर से खड़े हुए तक रहे हैं, शम्स व कमर इसकी बारगाह में खड़े हुए गुलामों की तरह कांप रहे हैं। आज अनासिर आलम इसको दूर से कैदियों की तरह खड़े ताक रहे हैं। आज इंसान लोहे को आकाश में उड़ा रहा है, दाने को धरती से उठा रहा है, मोती की आबरू बचा रहा है, जमीन को नाकाबिले रिहाइश समझकर बामे कमर और जोहरा और मरीख पर कमंदे डालने जा रहा है। आज का इंसान तो इतना ऊंचा जा रहा है, इतना ऊंचा जा रहा है कि फरिश्तों में हलचल मची हुई है, कि और जिसमें जिब्राइल तकरीर फरमा रहा है कि फरिश्तों होशियार, ये जन्नत का निकाला हुआ फिर वापस आ रहा है। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। इंसान ने जर्रे का जिगर चीर के उसका एटम निकाल लिया, एटम का जिगर फाड़ के उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालकर और उनकी कुव्वतों को अपनी मुट्ठी में करके पूरी कायनात को लर्जा बरंदाम कर दिया। आज इंसान के पास सब कुछ है, जिंदगी है मगर ताबिंदगी नहीं, सब कुछ है मगर सच्ची खुशी नहीं, दिलों में खौफे हिसाब नहीं, चेहरों पे आबोताब नहीं, नगमों में आब नहीं, चेहरों पर नकाब नहीं और आंखों में हिजाब नहीं। शबे तूर तीर हुई जाती है, हूर हीर हुई जाती है, इश्क में वफा नहीं मिलती, मतब में दवा नहीं मिलती, दवा में शिफा नहीं मिलती, लड़कियों को वर नहीं मिलता, औरतों को अच्छा शोहर नहीं मिलता, बीवियों को हक महर नहीं मिलता, और हद है मिलावट की कि खालिस जहर नहीं मिलता। मजदूर कहता है कि मुझे अजर मेहनत नहीं मिलता, और रसूल कहता है कि मुझे अजर रिसालत नहीं मिलता। आज नौजवान हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि पता नहीं साइंस की इतनी तरक्की के बावजूद, इतनी आसाइश के बावजूद,
पता नहीं हमारे दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता, हमें इत्मीनान क्यों नहीं मिलता, हमें आराम क्यों नहीं मिलता। मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हें आराम सुकून और इत्मीनान नहीं मिलता और मुझे दौलत कदों में इंसान नहीं मिलता, मुझे नेमत कदों में ईमान नहीं मिलता, मुझे तरीकत कदों में कुरान नहीं मिलता। मस्जिदों में जुमा के नमाज जुमा के लिए झगड़े हैं, जिक्र रहमान नहीं मिलता। मंदिरों में कुछ तो कुछ तार की ट्रेनिंग है, तस्करे भगवान नहीं मिलता। फिर दुनिया क्यों रोती है कि हमें आराम नहीं मिलता, हमें सुकून नहीं मिलता, इत्मीनान नहीं मिलता। अरे मिले तो कैसे मिले कि मर्दों में रसूल का तरीका ना रहा और औरतों में बतूल का सलीका ना रहा। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। आज इंसानी काफले जिन रास्तों पे जा रहे हैं ये सिराते मुस्तकीम नहीं है, ये अल्लाह का रास्ता नहीं है। आज इंसानी काफले किधर जाते हैं? आज इंसानी काफले जर्मनी की तरफ जाते हैं, मदनी की तरफ नहीं। इंग्लिस्तान की तरफ जाते हैं, ईमान की तरफ नहीं। रूस की तरफ जाते हैं, तूस की तरफ नहीं। साम्राज की तरफ जाते हैं, सामर्रा की तरफ नहीं। सुपरमैन की तरफ जाते हैं, काजमैन की तरफ नहीं। चीन की तरफ जाते हैं, दिल के चैन की तरफ नहीं। यहां से तुम्हें क्या मिलेगा? यहां से हमें शोहरत मिलेगी, यहां से हमें दौलत मिलेगी, यहां से कैपिटलिज्म मिलेगा, यहां से सोशलिज्म मिलेगा, यहां से सनत हिरफत मिलेगी। हो सकता है कि तुम्हें यहां पर ये चीजें मिल जाएं, लेकिन शराफत और इंसानियत इन दरवाजों पे नहीं मयसर आया करती। अगर इंसान ये चाहता है कि उसको शराफत और इंसानियत मयसर आ जाए तो उसके ऊपर लाजिम है कि बाबे मदीनतुल इल्म के दरवाजे पर आकर अपने सजदे को देगा। सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस दरवाजे से इंसान को इंसानियत मिलती है। जो इस दरवाजे पर नजर आए समझ लो कि वो इंसान है। जो इस दरवाजे से भाग रहा है समझ लीजिए कि उसके अंदर इंसानियत नहीं है। ये वो इस दरवाजे पर तो आकर देखो, वहां पे तुम्हें दौलत मिले ना मिले, लेकिन यहां पर तुम्हें इंसानियत मिलेगी। इंसान का कमाल, सबसे बड़ा कमाल यह है कि इंसान इंसान बन जाए। वजीर आजम बनना बहुत आसान है, सदर जमहूरिया बन जाना भी बहुत आसान है, लेकिन इंसान का इंसान बन जाना यह बहुत मुश्किल है। और इंसान इंसान उस वक्त बनता है कि जब इस दरवाजे पर आ जाए। अगर नजफ नहीं जा सकते तो कम से कम इस दरवाजे पे आ जाओ। यहां पर इंसानियत तकसीम हो रही है, सजदा करते चले जाओ, इंसानियत लेते चले जाओ। इसलिए कि ये मामूली दरवाजा नहीं है, बल्कि यहां फरिश्तों की दरबानी है। इस्मत का हिसार है, इफ्फत के हिजाब है, तकवे का दौर है, इताअत की कनात है, तथहीर का फर्श है, खाके शिफा का मुसल्ला है, फातिमा की तस्बीह है, पंजतन का सूरा है, पंजतन का पंसूरा है। यहां पर इल्म आदम का जमरुद्दी फर्श है, यहां तकवे, यहां जमाल यूसुफ की गुलकारी है, यहां हैबत मूसा का पहरा है, यहां तरीकत ईसा का कालीन है, यहां बाबे मदीनतुल इल्म का दरवाजा है, जहां पर आए तथहीर की चिलमन लटकी हुई है, और जहां पर कुल कफा बिल्ला है शहीदम बैनी व बैनकुम वमन इंदहू इल्मुल किताब का तोरा लटका हुआ है। हूरे इनकी महफिल का एहतमाम करती है, मलक दर पे कयाम करते हैं और अंबिया खुद आकर सलाम करते हैं। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले।
ये वो दरवाजा है कि जहां पर तमाम अंबिया कर सलाम अकीदत पेश करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये वो नूर है, जरा इस हकीकत को देखिए, ये वो नूर है कि जिसकी वजह से अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए इस नूर को पैदा किया। इसलिए कि खुदा तो वो है कि जो जहन में आता नहीं, फिक्र में समाता नहीं, तायर तखायल वहां तक पहुंचता नहीं, जमानी वो नहीं है, मकानी वो नहीं है, काबिल तहलील नहीं है, लायक इशारा नहीं है। तो जब ये सिफात खुदावंद आलम के है तो फिर खुदा किस तरीके से समझ में आए। तो लिहाजा खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि कुंतो कंजम मख्फिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मुझ तक कोई रसाई नहीं थी, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने एक मखलूक को पैदा कर दिया कि अगर मुझे पहचानना है तो इनको पहचानो, इनको देखते चले जाओ। आज दुनिया खुदा की तलाश में कहां कहां ठोकरें खाती फिरती है, लेकिन खुदा वंदे आलम ने यह कहकर कि मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने इस मखलूक को पैदा किया। ये कब पैदा हुई मखलूक? ये कब हुई? ये उस वक्त हुई कि जब वक्त न था। ये कब हुई कि जब तब न था, न जमान न मकान, न जमीन न आसमान, कुछ भी नहीं। उस आलम की तस्वीर कशी कौन कर सकता है कि आदम की जुल्मत फदाए इमकान को घेरे हुए है, अतराफ आलम अपने वजूद के लिए शिमाल और जुनूब और मशरिक और मगरिब के मोहताज हैं, पहाड़ों की बुलंदी फोकियत की जोया है, कारे दरिया पस्ती का मुतलाशी है, जमीन है कि बिछने के लिए पानी की रवानी तलाश कर रही है, और आसमान बुलंद होने के लिए सूरह दुखान की तिलावत कर रहा है। आग अपनी हस्ती के लिए नेस्ती की घुटन में जली जाती है, और खाक नापैद होने के सबब मिट्टी में मिली जाती है। गुल है ना बूटा है, सारा जहां सुना है, न सूरज है ना उसकी चमक है, न चांद है ना उसकी दमक है, न सितारे न झलक, न फूल है न महक है, न कांटे हैं न खटक है, कुछ भी नहीं है, फकत एक शम वहदत जल रही है, लेकिन कुर्बान होने के लिए कोई परवाना नहीं है। लिहाजा उस खालिक ने, उस मालिक ने इस मादूम कायनात में वजूद का रंग भरने के लिए अव्वल मखलूक को बनाना शुरू किया। बनाने वाला बना रहा है और बनने वाला बन रहा है, एक है बनाने वाला और एक बनने वाला, लाजमा बना रहा है, लाजमा बन रहा है, लामका बन रहा है, लामका बना रहा है, बेमिसाल बना रहा है, तवज्जो नहीं की, बेमिसाल बना रहा है और बेमिसाल बन रहा है, और ऐसा बेमिसाल बनाया उस बेमिसाल बनाने वाले ने अपने हबीब के नूर को के साये तक कोड़ा के रख दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हबीब का साया मेरे हबीब के जैसा हो जाए, साये तक कोड़ा के रख दिया। तो मेरी समझ में यह नहीं आता कि मौलवी साहेबान की समझ में यह बात क्यों नहीं आती कि जिस रसूल का साया भी उसके जैसा नहीं हो सकता तो उसका हम साया उस जैसा कैसे हो जाएगा। सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। मच्छर की मजाल नहीं कि करीब आए, मक्खी की मजाल नहीं कि जिसमें अकदस को छू सके, ऐसा बेमिसाल बनाया, ऐसा बेमिसाल बना दिया।
और जब वो बन गया तो अब इरशाद होता है। और कहां पर इरशाद हुआ कि जुमे का दिन सब किश्वर इस्लामी में ऐलान हो गया कि आज नमाज जुमा वो पढ़ाएगा कि जो दीन इस्लाम है, हकीकत ईमान है, रूह है ईमान है। तमाम उस जमाने के प्रोफेसर अखबार नवीस अपने अपने कलम दवात लेकर बैठ गए कि जैसे ही वो खुतबा देगा हम उसको लिखकर तारीख के हवाले कर देंगे। सारा मजमा झलक रहा है कूफे का कि एक मर्तबा जो गैर मुस्लिम बैठे हुए थे वो मुसलमानों से पूछ रहे थे कि तुम्हारा बादशाह किस तरीके से आएगा, किस अंदाज से आएगा, कैसे आएगा, इसलिए कि उन्होंने अपने अपने मुल्क के बादशाह देखे थे। वो इसी तसव्वुर में बैठे थे कि जैसे हमारे मुल्क के बादशाह आते हैं वैसे ही यही आएगा कि जर्क बर्क लिबास होगा, सर पे ताज होगा, ताज में हीरा होगा, 24 घोड़ों की बग्घी होगी, हटो बच्चों के नारे होंगे, बाद अब बामुलाहिजा होशियार की सदाएं होंगी। अभी इसी तसव्वुर में बैठे थे कि एक मर्तबा शे पर जिब्रील की सदा आई, अकेले का अकेला नुमाइंदा अपने हाथों से टकी हुई जूती पहने, अपने हाथों से सिली हुई आबा पहने, एक मर्तबा फरिश्तों को साथ लिए हुए और उस शान से आ रहा था कि एक मर्तबा जैसे ही मजमे के करीब आया, मजमे के करीब आया और आवाज देता था कि मुझे आगे जाने दो, कहा कि हम सुबह से बैठे हुए हैं खुतबा सुनने के लिए, तुम पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ। वो वक्त आता रहा, दूसरी तरफ गए, कहा कि पीछे जाओ। एक मर्तबा उस शख्स ने कहा कि तुम क्यों बैठे हुए हो, कहा कि तुम्हें इतना भी नहीं पता हम अली इब्न अबी तालिब का खुतबा सुनने के लिए बैठे हुए हैं। कहा कि खुतबा तो तब सुनोगे कि जब मुझे आगे जाने दोगे। एक मर्तबा जैसे ही पहचान हुई मिंबर तक रास्ता बना, छोटे छोटे कदम उठाते हुए करीब बढ़ते रहे, लेकिन जैसे ही मस्जिद का दरवाजा आया तो एक अजीब मंजर हो गया। एक तरफ अल्लाह के घर का दर था और दूसरी तरफ मदीनतुल इल्म का दर था। दर के सामने दर था, मस्जिद में कदम रखा, मिंबर पर बैठ के खुतबा दिया और आवाज देते हैं कि जो नहीं पहचानता पहचान ले, जो नहीं जानता वो जान ले। हमने आदम को जिंदगानी दी, हमने नूह को जावेदानी दी, हमने यूसुफ को जवान, हमने जुलेखा को जवानी दी और यूसुफ को हुक्मरानी दी। और उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि कतबा इस्मी अलल अर्श फस्तकर्रा, अल्लाह ने हमारा नाम जब अर्श पे लिखा तो रुका, आसमानों पे लिखा तो ठहरे, जमी पे लिखा तो बिछी, आग पे लिखा तो जलने लगी, शबनम पे लिखा तो गिरने लगी, हवा पे लिखा तो चलने लगी, मौजों पे लिखा तो तड़पने लगी, नरजिस पे लिखा तो रोने लगी और सुबह पे लिखा तो हंसने लगी। मैं तो अरबाब अदब से ये पूछना चाहता हूं कि मुझे ये बताओ कि जब तासीर इसमें सामी ये है तो खुद असर जाते गिरामी क्या होगा। तो ये पूरी कायनात सदका है उस नूर का कि जिसकी वजह से अल्लाह ने अपनी मारिफत के लिए जिनको पैदा किया, जिनको पैदा किया, ये सदका है उनका। तो अब बुजुर्ग मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल तो नहीं कर सकता लेकिन बच्चों से सवाल कर सकता हूं कि ये जमीन है कि नहीं, ये आसमान है कि नहीं, ये समंदर है कि नहीं, ये सूरज है कि नहीं, ये चांद है कि नहीं, ये तमाम कायनात सदका है उस नूर अव्वल का। तो मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि जो सदका है वो तो बाकी रह जाए और जिसका सदका है वो खत्म हो जाए।
यह किस तरीके से हो सकता है? यह वो नूर है कि जिसके लिए पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अना अली उन मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर है। और इरशाद फरमाते हैं, अव्वलो मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया। सबसे पहले क्या चीज बनी? नूर। और जब हम अहादीस की किताबों का मुतालिया करते हैं तो मुख्तलिफ अहादीस सामने आती हैं। कहीं पर इरशाद होता है, अव्वलो मा खलक अल्लाहुल इल्म, अल्लाह ने सबसे पहले इल्म को बनाया। और हदीस की किताबें उल्टी, फिर आवाज आई, अव्वलो मा खलक अल्लाहुल अक्ल, अल्लाह ने सबसे पहले अक्ल को बनाया। फिर कुछ दूसरे सफात पर देखा तो क्या नजर आया कि अव्वलो मा खलक अल्लाहुल लौह, अल्लाह ने सबसे पहले लौह को बनाया। फिर देखा तो क्या देखा, आवाज आई कि अव्वलो मा खलक अल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया। अब मैं मंतिक और फलसफे की इस्तिलाह में जाना नहीं चाहता। उलमाए कराम का मजमा है, उलमाए कराम बैठे हुए हैं, फलसफे और मंतिक की के एतबार से अव्वल फकत एक ही हो सकता है। और यहां इतने सारों के आगे अव्वल 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 लगा हुआ है, यह तो मुझ जैसे इंसान की समझ में नहीं आया कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया या नूर को बनाया या इल्म को बनाया या कलम को बनाया या लोह को बनाया। और जब गिनकर देखा तो तादाद निकली 5, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। अब मैं परेशान हूं कि भाई कैसे समझ में आए, क्या अव्वल मखलूक कलम है, नूर है, इल्म है, लोह है, क्या है? तो एक मरतबा हमारे बिरादर बुजुर्ग मौलाना सैयद मूसा रज़ा साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा, तेरी समझ में नहीं आया, जरा सी बात है। कहा कि क्या? कहा कि मैंने आपसे कहा कि पानी लेकर आओ गिलास में, आप ले आए गिलास में पानी, गिलास में आ गया क्या चीज? पानी। आधा पिया, आधा फेंक दिया जमीन पर। जब जमीन पे गिरा तो सूरज की शुआओं ने उसको ऊपर उठाना शुरू किया, ये भाप बनना शुरू हुआ और जाकर जमा होना शुरू हुआ, नाम हो गया मानसून। पहले भाप बना, पानी था, भाप बना, ऊपर गया मानसून, बरसने लगा, नाम हो गया बारिश, पिघल के बरसा, नाम हुआ बारिश, जम के बरसा, नाम हो गया ओले। जब ये बरसा तो कहीं नाली में गया तो नाली हो गया, तालाब में गया तालाब हो गया, नहरों में गया नहर हो गया। ये तमाम पानी गुजरता हुआ एक बड़े से हौज में जाके गिरने लगा, नाम हो गया समंदर। आपने वहां से एक गिलास में पानी भर लिया, फिर पानी का पानी। यानी हकीकत एक है, लेकिन जैसे जैसे जिस जिस मकामात से ये गुजरता रहा उसी एतबार से इसके नाम बदलते रहे। कहीं पर ये पानी कहलाया, कहीं पर भाप कहलाया, कहीं पर मानसून कहलाया, कहीं पे बादल कहलाया, कहीं पे बारिश कहलाया, कहीं पे ओले कहलाया, कहीं पे समंदर कहलाया, कहीं पर नाला बन गया। इसी तरीके से वो हकीकत मोहम्मदिया भी एक ही थी, लेकिन जैसे जैसे ये मकामात से बदलता रहा उसी एतबार से इसके नाम बदलते रहे। कहीं पर ये लोह बन गया, कहीं पर ये कलम बन गया, कहीं पर ये नूर बन गया, कहीं पर यह इल्म बन गया, कहीं पर यह सिरात मुस्तकीम कहलाया, कहीं पर ये उर्वतुल वुस्का कहलाया। अरे अर्शे मुनीर पे पहुंचा तो ओला हो गया, मिंबरे गदीर पे आया तो मौला हो गया। सलावत पढ़िए मोहम्मद इनवाल मोहम्मद।
जैसे जैसे हकीकत बदलती रही, जिस जिस मकाम पे पहुंचा वैसे वैसे इसके नाम बदलते रहे। कहीं अव्वलो मा खलक अल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया? कलम। अब कलम को देखिए आप, कलम है क्या? कलम किसे कहते हैं? ये कलम की हकीकत वाजह हो जाए तब लुत्फ आए बात का, कि बात क्या है कि इस नूर अव्वल को कलम क्यों कहा गया? कलम किसे कहते हैं? मैंने आपसे कहा कि आप ये बतलाइए कि मेरे दिल में क्या है, एक सवाल है, आप बतलाइए कि मेरे दिल में क्या है। आपने कहा कि हमें क्या पता आपके दिल में क्या है, इसलिए कि आपका दिल है छुपा हुआ और जो दिल में है वो भी छुपा हुआ। अब दिल में पैदा हुआ जज्बा, जज्बे ने गर्म किया लहू को, लहू ने आसाब पे असर डाला, आसाब ने हाथ को हिलाया, हाथ बड़ा जेब की तरफ, जेब में था कलम, कलम के निकाला और एक सादे कागज पे लिखना शुरू कर दिया। तो जो दिल में था वो सादे कागज पर जाहिर होने लगा। बस यहीं से मेरी हकीकत समझ में आई कि कलम उसको कहते हैं कि जो छुपे हुए खजाने को जाहिर कर दे, उसी को तो कलम कहते हैं। कुंतो कंजम मखफिया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, लिहाजा मैंने इस कलम को पैदा कर दिया। सलावात पढ़िए मोहम्मद। यह है कलम, यह है कलम की हकीकत। अव्वलो मा खलक अल्लाहुल कलम, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को बनाया। नून वल कलम, कलम सबसे पहले बना। यह कलम कैसे है? आपने देखा होगा कलम, हर पढ़े लिखे आदमी के जेब में रहता है कलम, रहता है। जिस प्रोफेसर को देखो जेब में कलम लगा हुआ है, देखिए मौलाना अलकमी साहब की जेब में भी कलम लगा हुआ है। तो कलम होते हैं, लेकिन ये कलम है क्या? ये जो आपकी जेब में लगा हुआ है, माफ कीजिएगा, कलम नहीं है। ये फकत कलम नहीं है, बल्कि ये कलम और दवात दोनों इकट्ठे हैं। पहले जमाने में होते थे कलम, अब तो हर आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अपनी जेब में कलम और दवात लेके चलता है। जिस प्रोफेसर को देखो, जिस मौलवी को देखो, कलम दवात नजर आएगा जेब में रखा हुआ। तो मेरी समझ में नहीं आया कि पहले के लोग ये कलम दवात लेकर क्यों नहीं चला करते थे। ये आज इतना पढ़ा लिखा इंसान अपनी जेब में कलम और दवात लेकर क्यों चलता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसानियत को, तवज्जो नहीं की आपने, इंसानियत को ऐसा धचका लगा हुआ है कि कोई पढ़ा लिखा इंसान एतबार ही नहीं करता कि कहीं ऐसा ना हो कि कलम दवात मानना पड़ जाए और ना मिल सके, लिहाजा अपने चैन में ही कलम दवात रखो। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है कलम दवात। लेकिन जो कलम होता था वही होता था जो हमारे बुजुर्ग इस्तेमाल किया करते थे, और हम छोटे छोटे जब तख्ती और कलम, जब कलम से तख्ती लिखा करते थे तो मास्टर साहब के पास पहुंचते थे, कहते जरा कलम बना दीजिए। वो कलम कैसे बनाते थे? एक लकड़ी होती थी सरकंडा जिसे कहते हैं, उसको पहले साफ करते थे,
साफ करने के बाद मौली साहब ने क्या किया, उस तेज धार का चाकू उसके सर पे रखा और सर पे रखने के बाद उसका कलम, उसका सर कलम कर दिया। जैसे ही सर कलम हुआ, कलम बन गया, अभी कलम नहीं बना, अभी तो इसका सर कलम हुआ है, अभी कलम नहीं है, अभी मंजिले बाकी है। मास्टर साहब ने क्या किया, एक मर्तबा चाकू की दौर उसके बीच में रखी और बीच में रखने के बाद थोड़ा सा दबाया, बस जैसे ही दबा, ये एक था, तवज्जो रखिएगा कि कलम एक था, लेकिन जैसे ही दबाया दो हिस्सों में तकसीम हो गया। कलम एक है लेकिन फिर भी दो है, दो है लेकिन फिर भी एक है। नूर एक था जो अव्वल मखलूक था, उसके जरा सा दबाया दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। और रसूल ने गवाही दी, अना व अली उनमिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के दो टुकड़े हैं। तो अभी कलम बन गया, पहले क्या किया, सर कलम किया, उसको दबाया, दो हिस्से किए, कलम तैयार है। बुजुर्ग बतलाए, बच्चे तो जानते ही नहीं होंगे कलम क्या है, अभी कलम नहीं तैयार हुआ, अभी मंजिले बाकी है। मास्टर साहब ने क्या किया, एक मर्तबा थोड़ा सा टेढ़ा, सीधा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा, फिर काटा, जैसे ही दबाव डाला, ये जो दो हिस्से थे, एक छोटा एक बड़ा, बड़ा ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा बहुत छोटा नहीं, बस इतना छोटा कि अगर बड़ा कहीं चला जाए और छोटा चादर ओढ़ के लेट जाए तो मुशरिक पहचान ना सके कि बड़ा सो रहा है या छोटा सो रहा है। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब कलम तैयार हुआ, अब कलम तैयार हो गया, अब जब कलम तैयार हो गया तो आप लिखिए, अव्वलो मा खलक अल्लाह लोह, अल्लाह ने सबसे पहले लोह को बनाया, तख्ती को बनाया, तख्ती बन गई, कलम तैयार है लिखिए, लेकिन तख्ती भी दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है। कैसे, इसलिए कि जब हम छोटे छोटे थे, जब हम कहते थे मास्टर साहब से जरा इसकी इसके ऊपर मश करनी है, तो उन्होंने ऊपर लिखा अलिफ बे ते से, एक तरफ लिखा अलिफ बे ते से और दूसरी तरफ लिखा एक दो तीन, यानी एक तरफ अलिफ बे ते से सिखलाया जाता है और दूसरी तरफ हिसाब किताब लिखाया जाता है। पहले अलिफ बे ते का नक्शा बनाया, दूसरी तरफ हिसाब किताब सिखलाया जाता है। उसी तरीके से अव्वलो मा खलक अल्लाहुल्लोह, अल्लाह ने सबसे पहले लोह को बनाया, तो वो जो है लोह थी वो भी दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक से पूरी कायनात का नक्शा खींचा गया, वो नबूवत कहलाई, और जिसके हाथ में पूरी कायनात का हिसाब किताब दे दिया गया उसको इमामत कहते हैं। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये कलम तैयार हो गया, अब लिखिए, लिखना शुरू किया। जब लिखना शुरू किया तो दो लिख रहे हैं लेकिन तहरीर एक आती है, तवज्जो रखिएगा, तहरीर एक है। आपने लिखा बड़े खूबसूरत अंदाज से लिखा आपने, अब मैंने कातिबों को देखा, कातिब तो अब भी लिखते हैं कलम से, कातिबों को देखा जब वो कोई चीज लिखते हैं तो उनके सामने कोई चीज रखी हुई होती है कि जिसके ऊपर वो जब बीच बीच में लिखते लिखते उसको रगड़ते हैं, उससे साफ करते हैं। अगर लंबे लंबे बाल हैं तो उनसे साफ कर लिया, या कोई चीज सामने रखी हो उसे साफ कर लिया। मैंने कातिबों से पूछा कि ये बतलाइए कि आप ये लिखते लिखते करते क्या है, कहा कि ये कलम है तो एक, हकीकत एक ही है
लेकिन ये दो हिस्सों में तकसीम है। अब हम तहरीर लिखते हैं, लिखते लिखते ऐसा ना हो कि इन दोनों के दरमियान किसी तिनके का फासला ना आ जाए या कोई रेशा ना आ जाए, इसलिए कि रेशा आया नहीं और इन दोनों के दरमियान फासला हुआ नहीं। तो इन दोनों के दरमियान फासला हो गया तो आपका क्या बिगड़ता है, आप लिखते रहिए। कहा कि नहीं, कलम का बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा, आप तहरीर लिखते रहिए। तो कातिब ने यही जवाब दिया, बस वही सुनाऊंगा। कातिब ने कहा कि मियां कलम का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा लिखा खराब हो जाएगा। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये अव्वल मखलूक जिसको अल्लाह ने कलम कहा, कहीं लोह कहा, और एक छोटा जुज और एक बड़ा जुज। मैं मंजिल पे आ रहा हूं बस। लेकिन आपने देखा होगा, अब मैं एक बात कुरान की आयत पढ़ दूं ताकि बात मोकम हो जाए। अव्वल मखलूक क्या है? कुरान में एक आयत है, कुल इन कान लिर्रहमान वलदुन। ए मेरे हबीब कह दो कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता, फअना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं हूं सबसे पहला मुसलमान। तो अगर कोई अल्लाह का बेटा हो सकता है तो वो अव्वल मखलूक। तो जब अव्वल मखलूक बेटा नहीं है खुदा का, तो किसी को क्या दावा करने की जरूरत है? तो खुदा का कोई बेटा नहीं, लम यलिद वलम यूलद, कोई बेटा नहीं। तो जब अव्वल मखलूक बेटा नहीं तो खुदा का कोई बेटा नहीं है। लेकिन बेटे के लिए हमारे मुहावरे में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, घर का चिराग होता है, ये घर का चिराग है। तो अल्लाह ने अव्वल मखलूक के लिए बेटे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चिराग का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। सिराज मुनीरा, ये चमकता हुआ चिराग है, है चिराग है। तो मोहम्मद अव्वल मखलूक चिराग है खुदा का। और अबू तालिब के घर का चिराग कौन है? मौलाए कायनात, मौलाए कायनात चिराग है अबू तालिब के घर के। और मोहम्मद रसूलुल्लाह चिराग है अल्लाह के घर का। अब मुझे यह बतलाइए कि अल्लाह का चिराग अल्लाह के घर में जलना चाहिए और अबू तालिब के घर का चिराग अबू तालिब के घर में जलना चाहिए? लेकिन मुझे तो अजीब मंजिल नजर आती है, शायद खुदा में और अबू तालिब में यह हो गया होगा कि अबू तालिब तेरे घर का चिराग मेरे घर चलेगा और मेरे घर का चिराग तेरे घर चलेगा। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कौन इंकान रहमान वलद, मेरे हबीब कह दो कि अगर अल्लाह का कोई बेटा होता, फाना अव्वलुल मुस्लिमीन, तो खुदा का बेटे होने का मुस्तहिक मैं हूं। जब मैं ही बेटे का नहीं हूं तो कोई और क्या हो सकता है? तो अब ये दो हो गए, एक छोटा एक बड़ा। लेकिन आप ये देखिए कि जो घर में छोटा होता है उसकी नाज बर्दारियां ज्यादा होती है, क्योंकि बड़ा थोड़ा समझदार होता है, उसको समझा दिया जाता है, वो समझ जाता है। लेकिन जो छोटा होता है, बाप उसके क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें ये दिला दूंगा, उसको चुप करने के लिए ये दे देंगे, ये दे देंगे। तो उसने कहा कि मुझे छोटा बनाया, इसको बड़ा बनाया, हालांकि एक ही नूर बनाया था, मुझे छोटा क्यों बना दिया, इसको बड़ा क्यों बना दिया? एक मर्तबा खुदा वंदे आलम ने कहा होगा, ए छोटे तू फिक्र ना कर, ये बड़ा है, इसको अब्दुल्लाह के घर में भेजूंगा, तू छोटा है, तुझे अल्लाह के घर में भेजूंगा। सलावात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद।
वाला है, अल्लाह के घर में आने वाला है। पूरी इंसानियत इंतजार में है कि वो आने वाला कब आएगा। महात्मा गौतम बुद्ध इंतजार करते करते चले गए। पढ़िए आप किताब बुद्ध ज्ञान जो कानपुर से छपी, उसमें लिखा है कि गौतम बुद्ध उस आने वाले का इंतजार करते करते, उनकी माला जपते जपते, एलिया एलिया कहते हुए इस दुनिया से चले गए, लेकिन नहीं आया। हम आए, इंसानियत आई, उसका इंतजार करती रही कि एक मरतबा पूरी इंसानियत परेशान थी कि कब आने वाला है, कब आने वाला है, कि एक मरतबा माह रजब ने आवाज दी, अरे कहां भटकते फिर रहे हो, मेरे पास आओ, मैं बतलाऊंगा कि वो आने वाला कब आएगा। अब जो हम माह रजब के करीब पहुंचे तो आवाज दी कि 13 तारीख को आना। अब जो 13 तारीख को हम पहुंचे तो आफ्ताब आलमताब मगरिब की घाटियों में गुरूब हो चुका है। उरूस शब चांदनी की सुनहरी चादर ओढ़े हुए मगरिबी हुजले से निकलकर सहने आलम में गुलकश कर रही है। सितारे सैयारे किसी मौलूद के आने की खुशी में इधर उधर रक्सा हैं, सवाकिब निगरा है और कुतुब अपनी जगह पे बुद्ध बना खड़ा देख रहा है। और कहकशां आसमानी रुखसारों पर अफशां छिड़क रही हैं और कहीं दूर शफक की लालियां फलक के हाथों पर हना लगा रही है। गोया पूरी कायनात एक दुल्हन की तरह सजी हुई है, इसलिए कि हमारी अकीदतों का दूल्हा आ रहा है। सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। पीरे फलक ने सितारों की ऐनक लगा के ये सुहाना मंजर भी देखा, अंबिया ने सफे लगाकर देखा, मलाइका ने इबादतें छोड़कर देखा और हूरों ने जन्नत के झरों के खोल के देखा कि सैयदुल अब्तहा हजरत अबू तालिब के बैतुश शरफ से एक मुअद्दमा खरामा खरामा छोटे छोटे कदम उठाती हुई काबे की सिमत जा रही है, यानी अल्लाह के वली की जोजा अल्लाह के घर जा रही है। और अजीब बात है कि दरवाजे को छोड़ के दीवार की तरफ जा रही है, शायद जानती है कि हैदर आ रहा है, शहरे इल्म का दर आ रहा है, और यह भी जानती है कि दरवाजा कभी दरवाजे में नहीं लगाया जाता बल्कि दरवाजा हमेशा दीवार में लगाया जाता है। सलावात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये 13 रजब की सुहानी रात थी, ये करवटें बदल रही थी और उधर काबे की किस्मत संवर रही थी। और 3 दिन तक फातिमा बिनते असद के लिए खाना आता रहा और मौलाए कायनात की मैं दरगाहे आलिया से तमाम इंसानों को चैलेंज करता हूं कि किसी मजहब का रहनुमा उसके इबादत खाने में पैदा नहीं हुआ। ये शरफ फकत मेरे मौला का है कि जो काबे में आकर पैदा हुए, काबे में पैदा हुए। याद रखिएगा, एक हिंदू ने कहा, पंडित ने, कि मौलाए कायनात ये काबे में क्यों पैदा हुए। अब इसको कुरान और हदीस की बात ही बताई जाए तो उसकी समझ में क्या है, तो इसको कोई आम सी बात बतानी चाहिए। आम बात क्या थी? हमने कहा कि आपके नजदीक सबसे आम बात कौन सी है वो बतलाइए। उसने कहा कि हमारे यहां आम पैदा होते हैं। आम कहा कि अच्छा आम पैदा होते हैं तो कब, ये बतलाइए कि एक दरख्त हो आम का और वो उसका फल बहुत मीठा हो और एक मुद्दत से वो फल दे रहा हो, जब उसका आखिरी जमाना आ जाए
तो आप उसकी नस्ल को बचाने के लिए करते क्या है? कहा कि पैवन लगाते हैं और उसकी नस्ल को बचा लेते हैं। कहा कैसे बचाते हैं? कहा कि उसी नस्ल का एक पौधा उसी घर में परवान चढ़ाते हैं, जब वो कुछ बड़ा होता है तो उसको घर से ले आते हैं और उसी की टहनी से पैवन कर देते हैं, ताकि जब ये दरख्त अगर फल देना खत्म कर दे तो ऐसा ना हो कि इसके फल से हम महरूम हो जाए। लिहाजा पैवन के जरिए से इसकी नस्ल को बचाया जाता है। कहा कि मैंने कहा कि एक शजर नबूवत था, जब वो 1,24,000 फसलें देकर बिला फसल हो गया तो अल्लाह ने यह किया कि अपने ही घर के एक गमले में उसी दरख्त की टहनी लगाकर उसको उगाया, और वो दरख्त जब परवान चढ़कर उससे पैवंद हो गया तब उसमें फल आना शुरू हुए। लेकिन दरख्त ये पौधा थोड़ा जोरदार इतना था कि गमले में शिगाफ आ गया, गमले में शिगाफ आया, और जब ये नस्ल अब आगे बढ़ने लगी दिल को इत्मीनान हो गया। अब जो पहला समर आया उसमें नबूवत की खुशबू भी थी, इमामत का जायका भी था, नबूवत की महक भी थी, और वो इतना खूबसूरत था कि उसका नाम रखा गया हसन। हसन के नाने है खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि एक मर्तबा दूसरा फल आया तो वो भी इतना ही हसीन, कोई दूसरा नाम ही ना मिल सका, उसका नाम भी हसन रख दिया गया। लेकिन मुशख्खस करने के लिए कि एक बड़ा है एक छोटा है, उसको एक तस्गीर दे दिया गया, लिहाजा हो गया हुसैन। ये है इमामत और शजरे नबूवत के फल, शजरे नबूवत के फल जिसका नाम है एक हसन और एक का नाम है हुसैन। बस अजादारो, आपके नाम आया हसन का नाम आया, हुसैन का नाम आया, बस बेसाख्ता ये फजाइल होते होते ये दिल क्यों उमड़ आता है जब इनका नाम सुनते हैं अजादारो? इसलिए कि ये वो थे कि जिनमें नबूवत की खुशबू भी थी, इमामत का जायका भी था, लेकिन नबी के चाहने वालों ने इनके साथ क्या किया? आज देखो सहाबियों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन आप देखिएगा तारीख में ऐसे ऐसे सहाबा भी गुजरे हैं कि जब रसूल इस्लाम इस दुनिया से चले गए, जब इस दुनिया से चले गए तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सूरत को देख लिया करते थे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सूरत को देख लिया करते थे और तसव्वुर करते थे कि रसूल की ज्यारत हो गई। बस अज़ादार सुनोगे, अबू ज़र गफ्फारी, ये कौन है अबू ज़र गफ्फारी? जनाब रसूल इस्लाम का प्यारा सहाबी है। फजाइल अहले बैत बयान हो रहे हैं, मस्जिदों पर बैठकर फजाइल अहले बैत बयान होते हैं। एक मर्तबा खिलाफत इमाम को खबर दी गई कि अबू ज़र अहले बैत के फजाइल बयान कर रहे हैं, अगर उनको ना रोका गया तो खिलाफत का तख्ता पलट जाएगा। अबू ज़र को बुलाया गया कि ये फजाइल छोड़ो। अबू ज़र ने कहा कि अल्लाह ने यह ज़बान क्यों दी है, ये दिल क्यों दिया है? इसलिए तो दिया है कि फजाइल अहले बैत बयान किए जाए। हाथ पैर तोड़े गए, लेकिन अबू ज़र ने फजाइल बयान करना ना छोड़े। बस अज़ादारो, एक वक्त वो आ गया कि जब ये ऑर्डर हुआ कि या तो मदीना छोड़ो या फजाइल छोड़ो, नबी का सहाबी है, एक मर्तबा फजाइल छोड़ने के लिए राजी नहीं होता, मदीना छोड़ने के लिए राजी हो रहा है। आवाज देता है, जब सामान्य सफर तैयार हुआ तो एक मर्तबा जोजा कहती है कि मेरे वाली, मैं भी आपके साथ चलूंगी।
बेटा कहता है मैं भी सच चलूंगा, बेटी कहती है मैं भी चलूंगी। तब सामान्य सफर तैयार हो गया। क्या था? गरीब मुसाफिर था, एक लोटा एक बोरिया। सुनोगे आजादारा, जब चलने के लिए तैयार हो गए तो एक मर्तबा एक शख्स को भेजा, जाकर कहना मेरे मौला से कहना कि अबू जर मदीना छोड़ रहा है, जाकर खबर दे दो। बस जैसे ही मौलाए कायनात को खबर मिली, मौलाए कायनात ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को साथ लिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को साथ लिया, और एक मरतबा अबू जर के करीब आए। बस जैसे ही अबू जर के करीब आए, एक मरतबा मौला ने कहा कि बेटा हसन बेटा हुसैन चचा कहकर सलाम करो, चचा कहकर सलाम करो। एक मरतबा शहजादों ने कहा चचा अबू जर सलाम। बजे से ये सुना, एक मरतबा बाल कट, एक मरतबा आंसू बहने लगे, रोने लगे। अमीरुल मोमिनीन ने कहा ए अबू जर, अरे इतनी जल्दी रोने लगे? अभी तो हमारी मोहब्बत में अरे बड़ी तकलीफें उठानी है। कहा कि मौला मसाइब को नहीं रोता, बस इस बात पर रोता हूं कि मौला कि जब भी रसूल की जियारत का इश्तियाक होता था तो इन शहजादों को देख लिया करता था, लेकिन अब मदीने छोड़ के जा रहा हूं, अब मुझे यकीन हो रहा है कि अब रसूल की जियारत नसीब नहीं होगी। आजादारों, एक मरतबा जनाब अबू जर चले चले जंगल में आए, जंगल में आए, फल खा खा के जिंदगी गुजारी, घास फूस खाते रहे, लेकिन मोहब्बत अहले बैत के दामन को ना छोड़ा। और एक मरतबा वो वक्त आता है कि एक मरतबा अबू जर के बेटे की हालत गैर होती है। बस जैसे ही हालत गैर हुई और अबू जर का बेटा इस दुनिया से गया, तो एक मरतबा मां बैठी हुई रो रही थी, मां बैठी हुई रो रही थी। अबू जर आए और आने के बाद ये कहा कि अब रोना बंद करो, अब इसके कफन दफन का भी इंतजाम करते हैं। वह ये सुनना था, एक मरतबा अबू जर की बेटी बीवी की सौजा कहती है ए मेरे मालिक मेरे बेटे को जंगल में मौत आ गई, लेकिन जरा इतना बता दो कि मेरे बेटे को कफन भी मिलेगा कि नहीं, अरे कब्र भी मिलेगा कि नहीं। कहा कि फिक्र न कर, करीब में एक करिया है, एक बस्ती है, वहां पर इस्लाम फैल चुका है, वहां जाकर बतलाऊंगा, तमाम मुसलमान आएंगे और तेरे बेटे को कफन भी देंगे, गुस्ल भी देंगे, कफन भी देंगे, कब्र भी देंगे। एक मरतबा ये सुनने के बाद अबू जर आए। अबू जर आने के बाद उस करिये में आकर कहते हैं ए इंसानों, ए करिये वालों, तुम में कोई मुसलमान भी है? बस जैसे ये सुना, एक बूढ़ा आया, उसने कहा कि हाँ हाँ बताइए क्या बात है। कहा कि मेरे बेटे की जंगल में मौत हो गई है, उसकी माँ बैठी हुई रो रही है, अगर हो सकता है तो उसके गुस्ल और दफन का इंतजाम हो जाए। बस ये सुनना था। एक मरतबा वो बूढ़ा कहता है कि जरा रुको मैं भी आता हूँ। एक मरतबा मुसलमानों के दरवाजे पर आया और आने के बाद एक एक दरवाजे पर आकर कहता था मुसलमानों अरे अपने कामों को छोड़ दो, इसलिए कि नबी के सहाबी की बेटे की मैयत पड़ी है और कोई और उसकी माँ बैठी हुई रो रही है और उसको कोई फुर्सा देने वाला नहीं है। मैं कहूंगा अरे जरा करबला में आ जा, अरे लैला बैठी हुई रो रही है। हाँ आजादारों, एक मरतबा तमाम मुसलमान चले और आने के बाद अबू जर के बेटे को दफन कर दिया। बस मुख्तसर करता हूँ, जब जनाब अबू जर का बेटा दफन हो गया, मुसलमानों ने कफन दे दिया बुजुर्ग के बेटे को। एक वक्त वो आता है कि एक मरतबा जोजा अबू जर ये कहते कहते इस दुनिया से चली गई कि हाय मेरे लाल को जंगल में मौत आ गई, मेरे लाल को जंगल में मौत आ गई, ये कहकर दुनिया से चली गई। उसको भी दफन करने के बाद एक मरतबा वो वक्त आता है कि अबू जर की हालत गैर होती है। अब अबू जर की 5 बरस की बच्ची, अब देखिएगा मसाइब, अबू जर की 5 बरस की बच्ची बाबा की शक्ल को बिगड़ता हुआ देखती है। एक मरतबा कहती है बाबा ऐसा लगता है कि जैसे आपके रूह परवाज़ करने वाली
बस मुझे ये बता दो कि इस बयाबान जंगल में आपको मैं दफन किस तरीके से करूंगी, दफन किस तरह करूंगी। बस ये सुनने के बाद अबू ज़र ने कहा, बेटा बेटा घबराना नहीं, घबराना नहीं, एक काफला आएगा, मेरा मौला मुझे खबर दे गया है, एक काफला आएगा, बस उससे इतना कह देना कि एक मुसलमान की मैयत पड़ी है, दफन करते चले जाओ। बस यही किया। एक मर्तबा अबू ज़र इस दुनिया से रुखसत हो गए। अबू ज़र की बेटी ने क्या किया सुनोगे? अपने सर से चादर उतारी, सर से चादर उतारी, अपने बाप के लाशे पर डाल दी। मैं कहूंगा अबू ज़र की बेटी मुबारक, अरे तेरे सर पे चादर तो थी, अरे सकीना करबला ने क्या करे, अरे सर से चादर तो सालिम ले गया। एक मर्तबा क्या किया, बैठी हुई रोती रही, रोती रही। जब कुछ देर गुजरी थी कि एक मर्तबा ख्याल आया कि बाबा को दफन भी करना है, बाबा को दफन भी करना है। जिस मकाम पर कहा था वहां जाकर बैठ गई और रोने लगी। बस जैसे ही घोड़े की टापों की आवाज आई, घोड़ों की टापों की आवाज आई, अबू ज़र की बेटी ने बस एक जुमला कहा कि एक मैयत पड़ी है, एक मुसलमान की मैयत पड़ी है, नमाज जनाजा पढ़ते चले जाओ। बस ये सुनना था। एक मर्तबा मालिक अश्तर एक मर्तबा घोड़े से जमीन पे आए और आने के बाद कहते हैं कि कोई अपने घोड़े को आगे न बढ़ाए, इसलिए कि एक मुसलमान की मैयत पड़ी है। मैं कहूंगा अरे मालिक अश्तर जरा करबला में आ जा, अरे नबी के नवासे की मैयत पड़ी है। एक मर्तबा करीब आया, आकर पूछा, बेटा किसकी मैयत पड़ी है? कहा कि अबू ज़र की। बस जैसे ही अबू ज़र का नाम सुना, सर से अमामा उतार कर फेंक दिया। कहा कि एक सहाबी के, नबी के सहाबी की मैयत पड़ी है। ये सुनने के बाद एक बेशकीमती कफन निकाला अबू ज़र ने, एक बेशकीमती कफन निकाला। तमाम मुसलमानों ने गुस्ल दिया, कफन दिया, और जब कफन देने लगे तो तमाम मुसलमान आगे बढ़े और आगे बढ़कर क्या कहते हैं जरा जुमला, बस आखिरी जुमला है, जितना रो सकते हो रो लो, बस बस आखिरी जुमला मैं कहूँगा, बस इसी पर मसाइब तमाम हो जाएंगे आज़ादारों, सुनोगे? एक मर्तबा तमाम मुसलमान आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद कहते हैं, मालिक हमें बोलने का तो हक नहीं है, लेकिन ये जो मैयत पड़ी है ना, ये किसी आम मुसलमान की नहीं है, ये तो नबी के सहाबी की मैयत है, अरे इसके कफन में तो हर मुसलमान का हिस्सा होना चाहिए, हर मुसलमान का हिस्सा होना चाहिए। कहा कि कीमत लगाओ, कीमत लगी, हर मुसलमान ने उसकी कीमत अदा की और जनाब अबू ज़र को कफन दे दिया गया, कफन दे दिया गया और कब्र में लिटा दिया गया। बस आखिरी रसूमात की बिना पर उस बेटी को बुलाया जाता है, बेटी को बुलाया गया और बुलाने के बाद बस ये कहा कि बेटा आओ अपने बाबा की आखिरी बार ज़ियारत कर लो, इसके बाद अपने बाप की सूरत को देखना नसीब ना होगा। बस जैसे अबू ज़र की बेटी करीब आई, अरे बाबा की शक्ल को देखा, आंखों में आंसू भर आए, अरे रुखसार को रुखसार पे रखा, आवाज दी, बाबा बस इतना बताते जाओ इस भरे हुए जंगल में अपनी छोटी सी बच्ची को किस पे छोड़ के जा रहे हो? अबू ज़र ने बेटी ने जैसे ही कहा, मालिक अश्तर आगे बढ़ गए, सर पे हाथ रखा, आवाज दी, अरे बेटा ये कह के ना रोना के किस पे छोड़ा, अरे जब तक जिंदा रहूंगा तेरी खिदमत करता रहूंगा। मैं कहूंगा मालिक अरे जरा करबला में भी आ जा, अरे सकीना है, कभी दामन में आग लगती है, कभी तमाचे खाती है, कहीं गोशवारे छीने जाते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।